नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव के बीच राघव चड्ढा एक ऐसा चेहरा है जो राजनीति से गायब नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कई सवाल उनके ऊपर उठ रहे थे कि राघव चड्ढा आखिर गायब कहां हो गए। अब ऐसे में सौरभ भारद्वाज सामने आए हैं और उन्होंने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राघव चड्ढा आपकी ब्लाइंडनेस की वजह से उसकी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो लंदन में अभी 2 से 3 महीने और रह सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि राघव चड्ढा को क्या वाकई में ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर अभी ये आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या दिनेश, जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा की सख्त से सख्त जरूरत थी और इस बीच राघव चड्ढा नदारद दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि सौरभ भारद्वाज जो उन्होंने बयान दिया, आप उससे कितना एग्री करते हुए नजर आते हैं? देखिए माही, जिस तरीके से शराब नीति मामले में जो दावे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पूरी आम आदमी पार्टी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है और एक एक करके हर एक नेता का नंबर यहां पर आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा उसी चक्कर में यहां पर विदेश चले गए हैं। और जिस तरीके से लगातार जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उनको देखते हुए फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे बंद है। राघव चड्ढा राइट हैंड के रूप में काम कर रहे थे, छोटी उम्र में बड़ी शोहरत पाने वाले राघव चड्ढा लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम मंच पर यहां पर उनकी विचारधारा की लड़ाई को सामने कर रहे थे। जिस तरीके से उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की सोच को आगे बढ़ाना है, देश के लोगों के हितों का काम करना है, देश के लोगों के लिए काम करना है, यहाँ पर दिल्ली में जो हमने विकास का मॉडल बनाया है उसी को पंजाब में लेकर गए हैं और देश भर में इसी मॉडल के तहत राजनीति करनी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कैलाश गहलोत, राघव चड्ढा और तमाम जो आतिश सिंह जैसे तमाम दिग्गज नेता जिनके ऊपर जांच की आंच दिखाई दे रही है, क्योंकि कैलाश गहलोत से ईडी पूछताछ कर चुकी है, आतिश सिंह पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही है और राघव चड्ढा विदेश चले गए हैं, ऐसे में क्या इस लोकसभा चुनाव में इतनी जरूरी था राघव चड्ढा का विदेश जाना और लंबे वक्त पर वहां पर रहना? क्योंकि जिस तरीके से जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी के लिए प्राथमिकता ये थी कि उनकी गैर मौजूदगी में नेता जो पार्टी के संगठन के साथ जुड़े हुए हैं वे उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो कि लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ने का दावा कर रही थी, उनके संयोजक जेल में चले जाते हैं, शीर्ष नेता यहाँ पर इलाज करवाने के लिए विदेश चले जाते हैं और अब पार्टी लगातार कमजोर होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया पार्टी लगातार कमजोर हो रही है और इस बीच राघव चड्ढा यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब सौरभ भारद्वाज का इतने दिन बाद इस पर सफाई देना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा का अपडेट दिया है, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में लोकसभा चुनाव के बीच अब राघव चड्ढा आ पाते हैं या फिर उनकी मुश्किलें अभी लगातार जिस तरीके से उनकी आंखों के ब्लाइंडनेस को लेकर बात हो रही है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। इसमें क्या अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।